वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिका सारडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार 20 अप्रैल को निधन हो गया। एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने 10:44 पर अपनी आखिरी सांस ली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ को ये खबर मिली, उस वक्त वे कोरोना संकट पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग ले रहे थे और खबर सुनने के बाद भी उन्होंने मीटिंग को रोका नहीं। योगी और उनके पिता के किस्से तो हर कोई जानना चाहता है। किसी आम पिता की तरह योगी आदित्यनाथ के पिता भी ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा संन्यास ले। उस वक्त जहाँ नाराजगी थी, तो वहीं एक वक्त ऐसा भी आया जब बेटे के सीएम बनने पर उसी पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता के संग कैसे थे योगी के रिश्ते, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था और गढ़वाल जिले में 5 जून 1972 को आनंद सिंह बिष्ट के घर उनका जन्म हुआ था। योगी ने मैथ्स में बीएससी की डिग्री ली थी और 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वो घर पर ये कहकर गए थे कि वो गोरखपुर जा रहे हैं, तो सबको लगा कि वो नौकरी के लिए जा रहे हैं। लेकिन 6 महीने तक किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा कि वो कहाँ रह रहे हैं और कौन सी नौकरी कर रहे हैं। जब घर वाले परेशान हो गए, तो उनकी बहन पुष्पा ने घर वालों को बताया कि गोरखनाथ मंदिर में जाकर उनके बारे में पता लग सकता है। जब योगी के पिता गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, तो बेटे को साधु वेश में देखकर हैरान रह गए। योगी अब पूर्ण रूप से सन्यासी हो चुके थे, लेकिन पिता उन्हें साथ ले जाने की जिद करने लगे। इस पर महंत अवैद्यनाथ ने कहा कि आप अपने चारों बेटों में से एक बेटा देश सेवा के लिए नहीं दे सकते, जिस पर योगी के पिता सोचने को मजबूर हो गए। लेकिन योगी के लिए अब महंत अवैद्यनाथ ही सब कुछ हो चुके थे। साल 2014 में जब योगी ने संसद का चुनाव लड़ा, तो उन्होंने अपने पिता वाले कॉलम में भी महंत अवैद्यनाथ का ही नाम लिखा था। लेकिन अजय सिंह बिष्ट यानी कि योगी आदित्यनाथ जब सीएम पद पर पहुंचे, तो ये देख उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वन विभाग से सेवानिवृत्त हुए उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट ने अपने पुत्र के सबसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी संभालने पर खुशी जाहिर की थी और कहा था कि योगी बचपन से ही प्रतिभाशाली थे और उनमें शुरू से ही जनता की सेवा करने का जज्बा था। बेटे के सीएम बनने पर पिता ने सलाह देते हुए कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वह सभी धर्मों का आदर करेगा। उसे बीजेपी का सूत्र वाक्य सबका साथ सबका विकास पर काम करना चाहिए। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर सब आते हैं। अब जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। वहीं योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी छवि पर उनके पिता ने कहा था कि यह उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ से प्रेरित होने की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें एक विकास उन्मुख व्यक्ति के रूप में देखना चाहता हूँ। उनकी अच्छी बात यह है कि वे अपने लक्ष्य से कभी भटकते नहीं हैं। उस वक्त योगी के पिता आनंद सिंह ने ये भी बताया था कि वो उनके गोरखपुर जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प के आगे वे उन्हें रोक नहीं पाए। 4 भाइयों और 3 बहनों में दूसरे नंबर के योगी जब यूपी के सीएम बने, तो उनके पिता की आंखें खुशी के आंसुओं से तर हो गई थी। आज उसी पिता ने अपनी आखिरी सांस ली। आनंद सिंह बिष्ट को लीवर और किडनी की परेशानी बढ़ने के बाद बीते मार्च के दूसरे सप्ताह में एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता योगी के पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बात की जानकारी लगी, तो उस समय वो अपनी टीम 11 के साथ कोरोना पर महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे थे और मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उसके अनुसार उन्होंने ये निधन की खबर सुनने के बाद भी मीटिंग को रोका नहीं। पिता के निधन पर सीएम योगी ने एक खत भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के कारण वे अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल को हरिद्वार में होने वाले अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम लोग शामिल हो। साथ ही उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वे खुद उनके दर्शन करने पहुंचेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के पिता के साथ उनके रिश्तों पर ये थी हमारी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने, सुनने और जानने के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।